मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकूंगी ना उसको। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और आज है ईद का तीसरा दिन। तो जी, आज है आरिफ चाचा के घर पे द मुशरफियन, यानी कि मेरे पूरे ख़ानदान का ईद डिनर पार्टी। तो आज फाइनली इकट्ठा हमें पूरे ख़ानदान से, मुझे मेरे सारे कज़न से, ददियाल से मिलने का मौका मिलेगा। तो हम आ गए हैं चाचा के घर पे, जो कि है NHS में। तो चलें चलते हैं चाचा के घर और मिलते हैं मेरे पूरे ददियाल से। अस्सलाम वालेकुम चाची। अमजद जी, तो पूरा घर माशाल्लाह भरा हुआ था। एज़ यूजुअल मैं लिखती और जल्दी जल्दी मैं सबसे मिल रही थी, तो मैं अपना मोबाइल उल्टा पुल्टा कर दिया। मैं मतलब मुझे नहीं पता था कि सही से वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रही, पर इट्स ओके, इट्स ईद। द बेस्ट पार्ट इज ईदी और पाकिस्तान के यही मजे है कि अभी भी हमें ईदी मिलती है। भैया से अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी दी मुशरफियंस की ईद पार्टी है हमारे चाचा आरिफ चाचा के घर पे। बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है। ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, फुफ्फो फुप्पा, मेरे तीनों चाचा बाबा और उनके सब बहुएं बेटियां, उनके बच्चे, तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ईद तो यही लग रही थी फाइनली, जब हम अपने तमाम रिश्तेदारों से मिलते हैं तो ईद तो वही होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि आपको पता है कराची में हीट वेव चल रहा है, और हमने जल्दी जल्दी सबके साथ पिक्चर्स बनाई बुला बुला के कि जल्दी आ जाओ पिक्चर्स बनवा लेते हैं। सबको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, बट समवेयर समहाउ आई डिड इट। और यही वो मेमोरीज हैं जिनको हम बार बार देखेंगे, बाद में भी देखेंगे और खुश होंगे। दो मेरा थोड़ा रिकॉर्ड भी खींच रहा था कि ये तो हर वक्त व्लॉगिंग में और पिक्चर्स में लगी रहती है एंड ऑल। मैंने कहा बेटा शुक्र मनाओ मैं तुम लोगों की फैमिली में हूँ और देखो तुम लोगों की सारी मेमोरीज कैप्चर्ड हो रही हैं। सो यस, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे से रहा और आप देख ही रहेंगे सारी पिक्चर्स और सारे मोमेंट्स। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखें खाना लग चुका है। जी तो खाना सर्व हो चुका था, चाची ने सारा खाना घर पे बनाया था और बहुत मज़े का बनाया था। और जिस तरह से उन्होंने हम सबको खिलाया, सबको इकट्ठा किया, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर था। हमें तो बहुत अच्छा लगा और एक अच्छा सा एक मोमेंट, एक मेमोरी क्रिएट हो गई हम लोगों की, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। तो बहुत मज़ा आया, हर कोई हर कमरे में भरा हुआ था। यहाँ मैं अंदर का तो वीडियो नहीं बना पाई, बाहर का जो जल्दी जल्दी में मैंने बनाया क्योंकि बहुत गर्मी थी और खाते हुए तो और गर्मी लगती है। इतने सारे लोगों में AC भी लगा दे चुके हैं। ये है हारून मुशर्रफ, ईद मुबारक बोलें, ईद मुबारक बोलें, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सही है।
अपना चक्कर खाना नहीं होगा, गोल घूम जाएगा। ये देखिए, ये जो आवाम अभी भी रुकी हुई है और जिसको अभी तक लाइन नहीं मिली है, क्योंकि ये हजरात बैठे हुए हैं। मेरे वाले कैमरे में देखना आपने सबने। अच्छा ऐसे, ओके। चाचा बीइंग चाचा ऑलवेज परफेक्शनिस्ट, तो उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। आप सिर्फ हसल चेक करें, बच्चे सेट नहीं हो रहे हमारे। चलें जी, अब सब जा रहे हैं, एवरीबॉडी इज गोइंग। जी तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारी ईद ख़त्म होती है, और दुआओं में याद रखिएगा। आज सारी फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद। कोरोना की वजह से थोड़ा केयर करनी पड़ती है, तो आई होप यू ऑल लाइक इट। थोड़ा थोड़ा मैंने तीनों दिन का रखा है, आई होप आप लोग देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ईद मुबारक। तेरा सूट नहीं कि तेरी गानी, हत तेरा नखरा पिछाड़ की जवानी, कोई कोई बाहें करते रही हूँ, हमें तुमने जो करे लगाया तो खो ही करे हूँ। ये बच्चा शदीद नींद में, और आप इस बच्चे की हरकतें देखिए। अरे ये देखिए आप, ये कौन ऐसे करता है, आप देखें हम जी। स्लीप स्लीप हम जी। Let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh. अच्छा, जो बोलोगे वो करूँगी बाबा। पक्का 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 मन बाबू बोल। हाय मेरे बाबू। सोना बोल। ओ मेरे सोना। लाड लड़ा। अरे मेरे लड्डू। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपतूंगी ना उसको। अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। खा मेरी कसम, मर जाएगा तू। जी तो फाइनली हम लोग भी घर को जा रहे हैं, बाकी सब जा चुके थे, चाचा फुप्पो वगैरह सब जा चुके थे, बस हम ही रह गए थे बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों को गेम्स खेलने थे। तो फाइनली अब हम भी जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा दिन गुजरा, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, इतने टाइम बाद हील्स पहन के ना टांगे साथ नहीं दे रही थी, तो बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने तो हील्स साथ में ले ली। और बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। आई होप आपको मेरा ईद का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दुआओं में ज़रूर याद करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।